हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये फास्ट पब्लिकेशन एसीआई स्कोपस इंडेक्स जर्नल का वीडियो सीरीज है। इससे पहले हम दो वीडियोस कर चुके हैं, एक स्कोपस इंडेक्स जर्नल से रिलेटेड और एक एसीआई से रिलेटेड। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों को जरूर देख लीजिएगा। एक बार जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको वेरीफाइड जरूर करिए एसीआई और स्कोपस की साइट से। और आज हम टोटल 7 जर्नल्स डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कुछ एसीआई हैं, कुछ स्कोपस हैं। और जो SCI होता है और जो स्कोपस होता है वो UGC केयर में तो ऑब्वियसली लिस्टेड होता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। सबसे पहला जो जर्नल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सस्टेनेबल कंप्यूटिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड सिस्टम। ये SCI है, 4 इशू पर ईयर है, 2.9 वीक्स इसका एवरेज है। फर्स्ट डिसीजन आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन पब्लिकेशन आने में 25.9 वीक्स लग जाते हैं एवरेज। इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 17% है, वो मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है। ये इसकी मैट्रिक्स है कि ये इसका मैट्रिक्स है कि आपको फर्स्ट डिसीजन कितने वीक्स में प्रोवाइड कर देता है और यहाँ पे ये फाइनल डिसीजन का है। एम स्कोप है इसका, लार्ज एरिया कवर करता है, मल्टीडिसिप्लिनरी है ये भी, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज वेल एज अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो इंजीनियरिंग के काफी सारे एरिया को ये कवर करता है। कि यहाँ पे डिटेल में नहीं दिए हैं मैंने एम और स्कोप, हर एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं तो आप इसकी साइट से वो देख सकते हैं। इस जर्नल में हमारा जून के इशू में एक पेपर भी आया था, स्मार्ट एग्रीकल्चर अर्जेंट नीड ऑफ द डे इन डेवलपिंग कंट्री। और हमारा जो ये आर्टिकल है ये इसके मोस्ट डाउनलेटेड आर्टिकल्स में आ रहा है, 4th नंबर पे। और इसका अगर इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें, सेकंड जर्नल है हमारा अफ्रीकन जर्नल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। स्कोपस इंडेक्स है, ये स्कोपस का जर्नल है। यहाँ पे इसका ISSN नंबर और ऑनलाइन ISSN नंबर दे रखा है। 7 इश्यूज पर ईयर आते हैं इसके। अगर हम इसकी स्पीड और एक्सेप्टेंस रेट की बात करें, 86 डेज एवरेज है फर्स्ट पोस्ट रिव्यू डिसीजन में और 25 इसका एक्सेप्टेंस रेट है, तो इसका एक्सेप्टेंस रेट भी अच्छा है। ये इसका स्कोपस साइट से स्क्रीनशॉट है। मैंने आपको बोला भी था जो भी जर्नल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आप जब भी, क्योंकि आज ही तो आप पेपर नहीं भेज रहे हैं, आप अपना मैनुस्क्रिप्ट आज नहीं भेज रहे हैं, हो सकता है 2 महीने बाद 4 महीने बाद आप स्कोपस में, इन जर्नल्स में आप सेंड करने जा रहे हो, तो एक बार स्कोपस की साइट से जरूर वेरीफाई करें। ये इसके एम और स्कोप है अफ्रीकन जर्नल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के। ये मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है, कवरिंग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होता है, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और जो इसका कोर फोकस है वो इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट पे है। ये हमारा 3rd जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नॉन लीनियर एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। ये भी स्कोपस जर्नल है, ये इसका ऑनलाइन ISSN नंबर है। पब्लिकेशन टाइम 3 to 5 months इसमें लग जाते हैं पब्लिश होने में। ये इस रिसर्च एरिया है, ये भी लार्ज एरिया कवर करता है, नॉन लीनियर एनालिसिस मैथमेटिक्स से लेके इसमें फिजिक्स भी आ जाती है, मैथमेटिकल फिजिक्स, कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली मैथ्स के ज्यादा एरिया कवर करता है ये। ये जर्नल का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा है, देयर इज नो पेड चार्ज फॉर दिस पब्लिकेशन। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अनपेड स्कोपस जर्नल ही बताएं, तो इससे पहले वाला भी अनपेड था और ये भी अनपेड ही है। ठीक है, ये इसके साइट पे क्लियर क्लियर लिखा है। ये इसका स्कोपस साइट से इंडेक्सिंग का पेज है, तो ये अभी 2020 तक तो कवर है, लिखा हुआ है यहाँ पे, उससे आगे का देखिएगा। 4th जर्नल है हमारा प्रिसिशन इंजीनियरिंग जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटीज फॉर प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोलॉजी। इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 3.156, ये SCI का जर्नल है। फर्स्ट डिसीजन आपको 3 वीक्स में मिल जाएगा, रिव्यू टाइम 4.8 वीक्स लग जाते हैं इसका। ये बाई मंथली जर्नल है बट 2021 में ओनली 2 इशू पब्लिश हुए हैं अब तक। ये इसका एम ऑफ स्कोप है, हाई एक्यूरेसी इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग है इसका एरिया, तो ये भी लार्ज एरिया को कवर करता है।
फिर ये हमारा फिफ्थ जर्नल है सॉफ्टवेयर क्वालिटी जर्नल। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट फैक्टर ये भी SCI का जर्नल है 1.642। इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 86 डेज SCI फर्स्ट डिसीजन में मिलने में लगते हैं। ये इसका एम ऑफ स्कोप है, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो ये कंप्यूटर का जर्नल है, बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स का। स्प्रिंगर का जर्नल है, ये SCIjournal.org से इसका स्क्रीनशॉट है जहाँ पे क्लियरली कि SCI जर्नल है। तो ये सिक्स जर्नल है हमारा बायोसिस्टम इंजीनियरिंग। और बायोसिस्टम इंजीनियरिंग जो है बेसिकली फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी इन सबसे रिलेटेड ये फील्ड है। फिजिकल साइंस रिप्रेजेंट द एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडलिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द लैंड यूज एंड द एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, एमएटी, बायो प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फूड चेन। ठीक है, तो काफी एरिया ये भी कवर करता है। और इसका रिव्यू टाइम 8.5 वीक्स है, इम्पैक्ट फैक्टर 4.123 है, ये SCI का जर्नल है। इसका एक्सेप्टेंस रेट 18% है। ये इसका SCIjournal.org से स्क्रीनशॉट है कि ये SCI इंडेक्स है। और ये लास्ट जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड ड्रग डिजाइन, 7th जर्नल आज का। और ये स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, जो जो एरिया कवर कर रहा है वो ये हैं, सामने इधर आपके दिख रहे हैं। तो ये फार्मा से रिलेटेड और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड है ज्यादातर। और ये इसका स्कोपस साइट से स्क्रीनशॉट है कि ये स्कोपस में इंडेक्स है और अभी तक। और ये हमने फार्मा और बायो से रिलेटेड कुछ जर्नल इसलिए डिस्कस किए क्योंकि कमेंट सेक्शन में थे, तो कमेंट सेक्शन में आप सेंड करते रहिए आपको किस तरीके के जर्नल चाहिए, हम आपके लिए वो सर्च करके लेकर आएंगे और वेरीफाई भी करेंगे कि वो अनपेड हो। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपका नीड है, किस तरीके का आपको जर्नल चाहिए वो भी पोस्ट करिए, और फिर हम उसके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।